गुड मॉर्निंग सौदागरों, तो अभी उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के आज का विश्लेषण को शुरू करें, निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में बड़ी मंडियों के साथ बनाए जाएंगे कोल्ड स्टोर, योजना तैयार करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मंडियों के साथ अब कोल्ड या सीए स्टोर बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के मकसद से यह फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने एपीएमसी को मंडियों के साथ कोल्ड स्टोर बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। कार्य योजना तैयार कर वो इसे मार्केटिंग बोर्ड में सौंपेगी, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। राज्य में कोल्ड स्टोर बनने से किसान अपने उत्पाद अच्छे दाम पर बेच सकेंगे, साथ ही फलों व अन्य उत्पादों की क्वालिटी भी बरकरार रहेगी। सुंदरनगर थाना के दो कर्मी लाइन हाजिर, इस मामले में विभाग ने कसा शिकंजा। पुलिस थाना मंडी जिला के अंतर्गत सुंदरनगर की हवालात में बंद आरोपी की जहर खाने के बाद हुई संदिग्ध मौत मामले में अब विभाग ने दो पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इस मामले में लापरवाही की पहली गाज दो पुलिस कर्मियों पर गिरी है, जिनमें एक इसी मामले से जुड़ा एएसआई रैंक का जांच अधिकारी और दूसरा एचएचसी रैंक का पुलिस कर्मी है। इसमें मामले में जुडिशियल जांच चली हुई है, इसी के तहत अब दो पुलिस कर्मियों को फिलहाल मंडी पुलिस लाइन में हाजिर किया है। गौर रहे कि सुंदरनगर उपमंडल की रहने वाली 32 वर्षीय महिला द्वारा घुमारवी बिलासपुर के एक 33 वर्षीय युवक पर दुष्कर्म और अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद आरोपी को 13 जून को सुंदरनगर पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले आई थी। पीजीआई में मौत के बाद आंखें दान, सड़क हादसे में हुए थे जख्मी, चंडीगढ़ में तोड़ा दम। उपमंडल धर्मपुर पंचायत व गांव डरवाड़ निवासी 38 वर्षीय विकास उर्फ विक्कू अपने घर के नज़दीक 3 जून को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 2 दिन पहले 15 जून को पीजीआई में उनकी मौत हो गई। भाई केहर और जीजा रवि कुमार द्वारा मृतक की आंखें दान करने का फैसला लिया। मृतक अपने पीछे 7 साल का बेटा, पत्नी, बहन, भाई और माँ को अकेला छोड़ गया। पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने बताया कि दुर्घटना के दिन वो साथ वाले घर वासड़ा गांव में गाड़ी लेकर गया था और वापसी पर अपने ही गांव में दोन मोड़ पर गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और गाड़ी नीचे खेतों में जा गिरी। घायल अवस्था में बिक्कू को पहले टीरा, फिर हमीरपुर व उसके बाद पीजीआई में पहुँचाया गया। तेज रफ्तार कैंटर ने 6 वाहनों को मारी टक्कर, पुलिस जवान की मौत। हिमाचल पंजाब सीमा के गरामोड़ा टोल प्लाजा निकट एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो कई घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि कुछ गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए। हादसे में तेज रफ्तार कैंटर ने एक साथ 6 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि टमाटर से लदा हरियाणा नंबर 1 कैंटर पंजाब की तरफ जा रहा था कि गरामोड़ा की उतराई में चालक ने कैंटर पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके फलस्वरूप कैंटर ने एक साथ 6 वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर से 4 कारों, 1 ट्रक तथा 1 टेम्पो ट्रैवलर का अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसमें कार तो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। देहरा से मुख्यमंत्री की पत्नी को टिकट देना चाह रहा हाईकमान, सीएम सुखू कर रहे विचार। कांग्रेस हाईकमान देहरा विधानसभा हलके में उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाना चाह रही है। देहरा से टिकट अटकने का यही कारण बताया जा रहा है। आलाकमान ने इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू को विचार करने को कहा है, इससे कांग्रेस वहां एक होकर चुनाव लड़ना चाह रही है। उपचुनाव के प्रत्याशी चयन के पार्टी के 3 सर्वेक्षणों में कमलेश का नाम आगे है, क्योंकि एक तो देहरा में उनका मायका है। दूसरा कारण यह है कि आलाकमान पिछले 25 साल से अजय बने इस विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रभाव आजमाना चाह रही है। 1500 रुपये मासिक देने की गारंटी को लागू करने के बाद महिला फैक्टर से भी मतदाताओं को साधना चाहती है।
पिछले उपचुनाव में महिला प्रत्याशी देने का यह प्रयोग लाहौर स्पीति में भी सफल रहा है। उंगली से पुरानी स्याही मिटी नहीं तो कैसे होगा नया मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में फर्जी मतदान या फिर दो दो बार मतदान करने जैसी घटनाओं को रोकने और मतदान की अहमियत को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग विशेष कदम उठाता है। इसलिए वोटिंग के वक्त हर मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर एक स्याही का निशान लगाया जाता है। दशकों से यह स्याही का निशान भारत के नागरिकों को यह संदेश देता रहा है कि उन्होंने जो मतदान किया है वो सुरक्षित है और वे दोबारा फर्जी मतदान नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर मौजूद चुनावकर्मी मतदाता की उंगली पर इस नीली स्याही का निशान लगाकर तय कर देते हैं कि न सिर्फ उस नागरिक ने मतदान किया है बल्कि उसका मतदान का अधिकार सुरक्षित है। इस स्याही की खासियत यह होती है कि कुछ ही सेकेंड में यह उंगली के साथ ऐसे चिपक जाती है कि इसे मिटा पाना मुश्किल होता है। हाई कोर्ट ने दिए NH व जल स्रोतों के आसपास कचरे की डंपिंग रोकने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी जल स्रोतों के आसपास कूड़े कचरे की डंपिंग रोकने के ठोस उपाय करने के आदेश जारी किए। वहीं मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्यन वैद्य शहरी विकास विभाग के सचिव को प्रदेश की 3226 ग्राम पंचायतों के सचिवों सहित सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और संबंधित DC के साथ बैठक कर उत्पादित ठोस कचरे के उचित प्रबंधन पर विचार करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने ठोस कचरे के प्रबंधन के साथ साथ दोषियों को दंडित करने के लिए उपलब्ध कानूनों का प्रयोग करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने सभी सचिवों को 12 अगस्त 2024 तक अपने जवाब दायर करने के आदेश दिए। अब CM ऑफिस का होगा व्यवस्था परिवर्तन। राज्य में नई सरकार के साथ हुए व्यवस्था परिवर्तन में अब मुख्यमंत्री कार्यालय का व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। राज्य सचिवालय के एलर्जली भवन में CM चैम्बर को नया लुक दिया जा रहा है। यह कारपोरेट स्टाइल का होगा। नई 3 मंजिला पार्किंग भी CM ऑफिस के साथ बनेगी। इससे फायदा यह होगा कि मुख्यमंत्री का काफिला सीधे पार्किंग में जाएगा। इस कारण ट्रैफिक नहीं रोकना पड़ेगा। वर्तमान में CM के काफिले के लिए अलग पार्किंग न होने से छोटा शिमला में मुख्यमंत्री के आने पर सड़क का ट्रैफिक रोकना पड़ता है। सामान्य प्रशासन और सचिवालय प्रशासन विभाग ने लोक निर्माण विभाग को इस बारे में डिजाइन तैयार करने को कहा है। इस डिजाइन के आधार पर नक्शे बने गए हैं और नगर निगम की सिंगल अम्ब्रेला कमेटी ने भी इन्हें पास कर दिया है। अब लोक निर्माण विभाग इस काम के लिए टेंडर लगाएगा। 3 महीने बाद हो रही मंत्रिमंडल बैठक। बैठक में पुलिस भर्ती और JOIT परीक्षा परिणाम पर होगा निर्णय। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 3 माह बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में रुकी भर्ती प्रक्रिया को फिर शुरू कर सकती है। इसके तहत पुलिस विभाग में कांस्टेबलों के 1226 पद भरने से जुड़े विषय पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।